अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला के साथ बलात्कार कर उसके अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला ने सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराते हुए बताया था कि आरोपी उसके पहचान वाला है। दोनों के बीच जान पहचान बनी और दोनों मसाज पार्लर में जाने लगे थे। इस दौरान आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो बना लिया। उसके बाद आरोपी उस वीडियो को दिखाकर महिला से बार बार पैसे मांग रहा था। महिला ने बदनामी के डर से कई बार उसे पैसे दिए भी थे। जब महिला आरोपी से कहा कि आप इस तरह से मुझे ब्लैकमेल मत करो वरना मैं पुलिस स्टेशन में जाकर आपके खिलाफ मामला दर्ज करा दूंगी, तब आरोपी ने महिला के गले पर बंदूक रखकर धमकी दी कि अगर तूने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जिससे घबराकर महिला ने अब तक मामला दर्ज नहीं कराया था। हाँ, एमएचबी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर पीएसआई साल्वे और उनका स्टाफ एमएचबी पुलिस स्टेशन में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उनको दो लड़के एक बाइक के साथ मिले। उन्होंने इंक्वायरी की बाइक की, तो वो बाइक हमारे ही एमएचबी पुलिस स्टेशन के एक क्राइम में चोरी हुई थी। तो वो दोनों को वो क्राइम में हमने अरेस्ट करवा दिया और फर्दर इंक्वायरी हमने किया तो और दो बाइक उन्होंने चोरी किया है, ये डिटेक्शन हो गया। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये हमेशा चोरी करते हैं या क्या करते हैं? हाँ, ये हमारे क्राइम रिकॉर्ड पे है, ये रहते हैं दहीसर वेस्ट में ही रहते हैं और इसके पहले भी उन्होंने ऐसे क्राइम किया है। कितने केस डिटेक्ट हुए सर इस केस? इसमें एमएचबी पुलिस स्टेशन के तीन केस डिटेक्ट हुआ है, उसमें एक्टिवा, हीरो होंडा स्प्लेंडर और बुलेट, ऐसे तीन मोटरसाइकिल हमने दोनों आरोपी से रिकवर किया है। ये रिकवरी करने, ये चोरी करने के बाद इन बाइकों का क्या करते थे? ये सुल्तान करके एक लड़का है, उसको बेचते हैं और सुल्तान का हम लोग अभी उनको ढूंढ रहे हैं और भी बहुत सारे केसे डिटेक होने की संभावना है।